नमस्कार, आप देख रहे हैं आज भट्ट न्यूज फोर शेखपुरा से है। शेखपुरा जिले के चेवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत चेवारा में आज अहले सुबह पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 ट्रक पर तस्करी करने के लिए ले जाते पशु से लदा हुआ 3 ट्रक को जब्त कर लिया। वहीं चालक को और खलासी को चेवारा पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया। पुलिस ने बताया है कि बैरियर तोड़कर ट्रक चालकों के द्वारा भागने का प्रयास किया जा रहा था, तब पुलिस को शराब की खेप होने का संदेह हुआ और फिर 3 ट्रकों को जब्त किया गया, जिसमें से 1 ट्रक में 2 पशु को मृत पाया गया। अब प्रशासन इनकी जांच में जुटकर इनका इतिहास खंगालने में जुट गई है। साथ ही इसके बाद पशु तस्करों को पकड़कर पुलिस कार्रवाई में जुट चुकी है। वहीं गौ रक्षिणी में कार्यरत कर्मी ने बताया कि SDO निशांत कुमार के द्वारा सूचना के बाद इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है। सभी पशुओं को सुरक्षित गौ रक्षिणी में रखा गया है, जिसके खाना पीना का पूरा इंतजाम कर दिया गया है। वहीं SP कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि टाउन थाना सिसरी OP और चेवारा थाना के काफी मशक्कत के बाद 3 ट्रक को पकड़ा गया है, जबकि 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। औरंगाबाद से बांका जा रहे थे, हाट में बचने के लिए घुस गए, तभी यह कार्रवाई की गई। SP ने बताया कि सभी गायों को सुरक्षित गौरक्षिणी में रखा गया है। जा रहा था। ये हमारे SDO साहब के निशांत कुमार के बहुत बड़ी पहल है और हमारे पुलिस बल का सब बहुत बड़ा पहल है। इसमें शेखपुरा जिला के SDO साहब निशांत कुमार और चेवारा थाना के चेवारा के जो भी हैं, इन लोगों का बहुत बड़ा पहल होने के कारण आज 3 ट्रक गाय का तस्करी हो रहा था, जिससे कि आज खुफिया विभाग के न्यूज़ के कारण निशांत कुमार ने आज हम लोग को खबर दिया। तो हम लोग ने आज 3 ट्रक को गौशाला शेखपुरा जिला के गौशाला में लगाकर सब गायों का निरीक्षण करके सबको गाय गौशाला में अंदर किया और इसको बखूबी से हम लोग अपना सेवा देंगे और जो भी गाय क्षतिग्रस्त हुई है सबको भरपूर मात्रा में कोशिश करेंगे कि सबको जल्द से जल्द ठीक कर दिया जाए। मतलब पशु को बरामद किया गया है, क्या मामला था सर? इसमें कल रात में सूचना मिली थी, तो जो टाउन थाना और CRA OP और चेवाड़ा के द्वारा जांच कराई जा रही थी, उसी में 3 ट्रक को बड़ी मुश्किल से पकड़ा गया। उस 3 ट्रक में गाय पाई गई थी और उन्हीं को आज गौशाला में सुपुर्द किया गया है। साथ में 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, इसमें उनसे पूछताछ चल रही है। क्या सर लगता है तस्करी के लिए जो अब तक जानकारी इसमें से आ रही है, उसमें से जो 3 ट्रक थे तीनों को शायद औरंगाबाद से बांका जा रही थी, पर हम लोग उसमें अभी जांच में लगे हुए हैं और बताया जा रहा था कि वहाँ पे हाट लगता है, वहीं पे लोग बेचने की कोशिश करने वाले थे।